हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं, जौनपुर सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक नसरुद्दीनपुर गांव है मलनी के जस्ट बगल में। तो घर में कोई सांप दिखाओ दोस्तों, नजर जमा रखिए, फटाफट दिखाते हैं क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए फटाफट, समय कम है। कहाँ है थोड़ी दीवार पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जहां पर इंसान रहता है खतरा वहीं पर आता है। तो कभी कभी भोजन की तलाश में और कभी कभी चूहा पकड़ने की फिराक में इंडियन कोबरा यानी कि करैत और कोबरा हमारे उत्तर प्रदेश में, ये तो एक तरीके से समझ लीजिए कि काल बन करके घर में घुसते हैं। तो इसको तो दोस्तों ये भोजन की तलाश में आया था। उधर देखिए लटक चुका है क्या? हाँ जी, पता नहीं उधर जा रहा है। उधर देखिए एकदम इसी झाड़ू पीछे है। आ गया, बक्से के ऊपर है, वो जा रहा है। चलिए दोस्तों ये आ गया, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंसान रहता है खतरा तो हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों हमेशा अक्सर लोग कूड़ा कबाड़ को घर में ही रखते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें इसमें रखा जाए या इसमें सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों इंसान की फितरत है जो हमेशा घर में कूड़ा कबाड़ सामान इकट्ठा रखता है। आप देख सकते हैं ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसी को नाग कहते हैं और इसी को फिटार भी कहते हैं, ग्यूमन भी इसी को कहते हैं। तो बगैर किसी छेड़छाड़ के, बगैर किसी चौंक चाक के, यानी कि अगर इसको दबाया ना जाए, बदतमीजी ना हो इसके साथ, तो ये किसी को बाइट नहीं कर सकता है। दोस्तों काफ़ी गर्मी का महीना है, उमस है, और ऐसे में भागम भाग आना जाना पड़ता है। कभी कभी किसी का मोबाइल नहीं उठ पाता, फ़ोन नहीं उठ पाता, मैसेज का रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता, काफ़ी लोगों का मिजाज गर्म हो जाता है। और दोस्तों मैं क्या करूं, एक छोटी सी जिंदगी मिली है और उसी में जीवों के साथ और थोड़ा समय आपके साथ बिताना रहता है। हालांकि ये प्रिंटेड कोबरा जैसा दिख रहा है दोस्तों, जैसे कोई प्रिंट किया हुआ सांप है ये, आप देख सकते हैं। ऐसा सांप बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम इसे, तो दोस्तों काफी खाया पिया घर का है ये। हाँ बढ़िया चीज खाता रहा, सेहत को बना के रखा है। चलिए निकाल दो। तो दोस्तों इसी को नाक कहते हैं और इसी को फिडार कहते हैं। ये काफी भयभीत है और ये बाइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे अब निकालते हैं, समय भी काफी हो गया। तो दोस्तों ये स्थितियां हमेशा बनी रहती है खतरनाक, जब भी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, चोंक चाक करेंगे, तो ये किसी को बाइट कर भी सकता है और बगैर किसी छेड़छाड़ के ये किसी को काट नहीं सकता। चलिए इसे हम बाहर की तरफ निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर ये बिग साइज का है, तकरीबन 4 फीट का दोस्तों ये सांप है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब हम इसे बाहर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं,
ये अपना बैलेंस किस तरीके से बना के रखता है। तो दोस्तों ये सांप इतना सेंसिटिव होता है, इसमें ये बहुत जहरीला है, इसको कोबरा सांप के साथ साथ ये न्यूरोटॉक्सिस का है, और अपना बैलेंस बहुत छोटे से धागों पर ही बना लेता है ये। तो रात के अंधेरे में टहलता है चूहा पकड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर अनाज होता है, और अनाज को खाने के लिए अक्सर चूहा हमारे घरों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अनाज भी रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, हम इसे नीचे की तरफ उतारते हैं आराम से, घबराना नहीं। तो दोस्तों ये है बिग साइज का कोबरा सांप, यहीं पर ये रहता था और खा पी करके काफी मोटा ताजा बना हुआ है। आइए एक बार फिर बाहर इसे लेके चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक गरीब की कुटिया रहती है, ऐसी झोपड़ी रहती है, और इसमें ये सांप आ जाते हैं। विश्वास नहीं होता, कहीं कहीं पर तो ये जो ड्रम रखे हुए हैं इसके नीचे भी, कई बहुत से सारे वीडियो हमने आपको दिखाए, उसके नीचे भी ये जाकर के बैठते हैं। रात के समय जब अंधेरा होता है तो उसी समय ये सांप ज्यादा निकलते हैं, और ये काफी बिग साइज का है। जब भी ऐसा सांप बाइट करता है तो आप हॉस्पिटल ही जाइए दोस्तों, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, किसी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। तो चलिए तो दोस्तों इसी तरीके से चलिए हम चलते हैं फिर इसे पैक करने के लिए। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो भी सकता है। तो दोस्तों इस काम को एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, आप इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी समय खतरा होता है, ये मिस कर सकता है पकड़ अपनी अपनी। ओहो, ये डिब्बा सिर्फ इसमें डाला जाता है ना, चूड़ी बंद होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर इसको एक बार पैक करते हैं, और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। ठीक है, बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि ढक्कन मिस है। चलिए तो ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो के साथ आप जमे रहिए, काफ़ी आप लोगों ने मुझे समय दिया, थैंक यू, गुड नाइट।